ये एक ऐसा शहर है जहां सभी के पास अपने रोबोट है, पर मेरे पास एक भी रोबोट नहीं है, जिस वजह से सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाया करते हैं। मैं घर आकर अपनी दादी और पिता से रोबोट लेने के बारे में बात करता हूं, पर इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये एक रोबोट खरीद सके। पर अपने बेटे की खुशी के लिए मेरे पिता और दादी अपनी बकरी के बदले रोबोट लेने निकल पड़ते हैं, पर इन्हें रोबोट नहीं दिया जाता क्योंकि वो बहुत महंगा है। पर तभी पापा को कुछ पुराने रोबोट दिखाई देते हैं और वो उसमें से ही एक खरीद लेते हैं। मैं रोबोट पाकर बहुत खुश हूँ, पर जब मैंने इसे ऑन करने की कोशिश करी तो ये काम ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद ये ऑन तो हो गया पर ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैंने इसे चार्जिंग पर लगाया और स्कूल चला गया। मैंने स्कूल में भी सभी को मेरे रोबोट के बारे में बताया, पर जब मैं घर आया तो घर की हालत तो कुछ और ही बता रही थी। और तो और ये रोबोट मेरा कच्चा सिर पर पहने दादी के साथ नाच रहा है। यहाँ मैंने सोचा कि इस रोबोट को बदलना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो ये पूरे दिन कच्चा सिर पर पहने घूमता रहेगा। पर रास्ते में मुझे कुछ बदमाश लड़के मिल जाते हैं जो मेरे रोबोट को मारने लगते हैं, पर मेरा रोबोट इसे जमकर धोता है। हम दोनों यहाँ से भागकर दूर आ जाते हैं। पार्ट 2 के लिए एक कमेंट जरूर करना।